ये तो शब्द है ना मेरे दोस्त, इसने कई स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो बेटा कभी भी मॉक टेस्ट से, कभी भी प्रैक्टिस से जो घबरा गया खत्म है वो। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें थ्योरेटिकल पढ़ाए जाओ, थ्योरेटिकल पढ़ाए जाओ, प्रैक्टिस मत कराओ उनके। अभी डाउनलोड करें करियर वेला। पर में तुम इन पॉजिटिविटी को, इन मेरी बातों को भूल गए और तुम्हारे ऊपर 1% भी ये चीज हावी हो गई, अगर मेरा गलत हो गया तो। ये तो शब्द है ना मेरे दोस्त, इसने कई स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद कर दी। पढ़ रहा हूं एग्जाम नहीं निकला तो, एग्जाम में टिक कर रहा हूं सही नहीं निकला तो, ये जो तो है ना, ये दिमाग खराब करके रख देगा आपका। मैथ्स का पेपर मुश्किल आ गया तो, इस बार कोई चेंजेस आ गए तो, वो वोकैब आ गए जो मैंने नहीं पढ़ी तो, वो चीजें आ गई जो मैंने नहीं पढ़ी तो, पेपर में भूल गया तो, ये भाई तो करके यार पागल कर दोगे तुम अपने आप को। अपने आप को अपने विश्वास में रखो, मैंने प्रैक्टिस की है, जी जान लगाओ, अभी मॉक टेस्ट दो अच्छे से। और बेटा जो एटीट्यूड मॉक टेस्ट में है ना, वही एटीट्यूड मुझे तुम्हारा एग्जाम में चाहिए। इसीलिए बार बार मैं क्यों कहता हूं, आप जब प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ कि बेटा प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, वो प्रैक्टिस पेपर्स का मतलब यही है। यहां से एक बात मेरे को याद आ गई, मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। जब अभी बच्चा कह रहा था ना, जो लिख रहा था, ये 148 का मतलब क्या था, बच्चा कहता सर जरूरी है क्या 148 सेट, आपने इतनी मोटी बुक बनाई, 148 सेट लगाऊं मैं? बेटा वो 148 सेट इसीलिए है क्योंकि जब आप इन सेटों को लगाओगे, ठीक है, और फिर इसके साथ मॉक टेस्ट भी और दोगे, 148 सेट तो ये हो गए, और फिर मॉक टेस्ट भी दोगे, तो आप टेस्ट दे के अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास ले लोगे कि आपको पेपर में ये फील आएगी कि आज बस एक मॉक टेस्ट और है और ये फाइनल मॉक टेस्ट है। वो फील पेपर में आती है ना, तब बच्चा अपने आप में पेपर बेहतरीन तरीके से निकालता। आई होप तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें चले गई होंगी। तो बेटा कभी भी मॉक टेस्ट से, कभी भी प्रैक्टिस से जो घबरा गया खत्म है। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें थ्योरेटिकल पढ़ाए जाओ, थ्योरेटिकल पढ़ाए जाओ, प्रैक्टिस मत कराओ उनके। इतने बच्चे होते हैं। ऑफलाइन में ऐसा होता था कि पढ़ा दिया बेटा कल प्रैक्टिस होगी, हाँ बच्चे 20-30% बच्चा गायब है, कहता स्टोपी ने आज तो प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस से इतना बचता है बच्चा। और मैथ्स में क्या करता है, प्रैक्टिस को गले लगाता है, प्रैक्टिस है वो, वाओ मैं क्वेश्चन करके देखूंगा, इसलिए मैथ्स में तुम्हारा स्कोर हाई हो जाता है, इंग्लिश में नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश की प्रैक्टिस को भी गले लगाते हैं, नहीं भाई मुझे इंग्लिश की भी करनी है, वो बेड़ा पार कर जाते हैं अपना। तो बेटा ये 148 सेट तुम्हें नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनके ढंग से देखोगे, दिन के आपने एक दो सेट भी लगाओगे पेपर के आसपास, तो बेटा ये बुक 3 महीने का भी खेल नहीं है। एवरेज अगर निकालो ना, 3 महीने का भी ये बुक खेल नहीं है। किसी दिन 2 कर लिए इस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, किसी दिन 1 कर लिया जब पेपर नियर बाय हुआ, तो पेपर से 3-1 महीने पहले तो आप प्रैक्टिस पे जुट जाओगे ना यार। तो वही बात मैं तुम्हें कहने लग रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस में वही चीज है। अब किसी को इतनी मोटी किताब दिखती है, किसी को कहते 148 सेट है, हाँ 3-1 महीने में खत्म कर लूंगा, वो कैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, सारी चीजों से प्यार हो जाएगा, मिक्स आदत हो जाएगी प्रैक्टिस की। आई होप आपके दिमाग में मेरी बातें गई हूं, पक्का समझ आई, अब तो डर नहीं लगेगा प्रैक्टिस से। चलो जी आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब आगे